नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 60 रनों के बड़े अंतर से हराया। इस तरफ फॉफ डू प्लेसिस की अगुवाई वाली आरसीबी को लगातार चौथी जीत मिली, साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को भी जिंदा रखा, बरकरार रखा। लेकिन क्या पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंच जाएगी? अब आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण क्या है? दरअसल आरसीबी ने लगातार 4 मैच जरूर जीते, लेकिन अब भी प्लेऑफ की राहें बेहद मुश्किल हैं। इस टीम को अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे, साथ ही भाग्य दूसरी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर करेगा। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें 12 मई को आमने सामने होंगी। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उम्मीद करेगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स को ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स हरा दे। दोनों टीमों का आमना सामना 14 मई को होना है, लेकिन आरसीबी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद दुआ करनी होगी कि शुभम गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस किसी तरह सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दे। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीमें 16 मई को आपस में भिड़ेंगी। लेकिन क्या इतना सब कुछ होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंच जाएगी? इस सवाल का जवाब है नहीं। दरअसल इसके बाद भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दूसरे टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा। फॉफ टू प्लेसिस की टीम दुआ करेगी कि केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स को मुंबई इंडियंस हरा दे। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद को पंजाब किंग्स शिकस्त दे। अगर इतना सब कुछ हुआ तो फिर 18 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दे। अगर ऐसा हुआ तो आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। इस तरह समीकरणों से साफ है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की राहें बेहद पेचीदा है।